टेम्परेचर वहाँ का? अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम पहले सबसे पहले साउथ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु में जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज्यादा है और हमारा अनुमान है कि वहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस मीन एक दो जगह हीट वेव हो सकता है। हीट वेव का क्राइटेरिया क्या है प्लेन्स के लिए? अगर टेम्परेचर सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा है और जो मीन टेम्परेचर है 40 डिग्री है तो हम हीट वेव बोलते हैं। और कोस्टल एरिया के लिए अगर टेम्परेचर 37 डिग्री है और सामान्य से 4.5 डिग्री से ज्यादा है तो कोस्टल के लिए तब हम हीट वेव बोलते हैं। और हमारा अनुमान यह है कि अभी इंटीरियर तमिलनाडु में एक दो जगह हीट वेव हो सकता है और जो कोस्टल एरिया है इसमें वहां पे हॉट एंड ह्यूमिडिटी मीन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने का उम्मीद है। उसका मीनिंग यह है कि वहां जो टेम्परेचर है सामान्य से 3 या 4 डिग्री ज्यादा रहेंगे और ह्यूमिडिटी हायर साइड रहेगी और इसके साथ लोग डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, अभी सबसे पहले बिहार की बात करते हैं, बिहार में जो टेम्परेचर हैं वो भी सामान्य से ज्यादा हैं, 40 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं और वो नॉर्मल से भी 3 से 4 डिग्री ज्यादा है और कुछ हिस्सों में, लेकिन वहां पे कोई हीट वेव का सिनेरियो नहीं है। और अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्थान की बात करते हैं तो वहां टेम्परेचर सामान्य ही है, 40 डिग्री के पास है बहुत सारी जगह में, लेकिन ऐसा कोई हीट वेव का आज के लिए सिनेरियो नहीं है। अगर हम रेनफॉल एक्टिविटी की बात करें, इस समय जो रेनफॉल एक्टिविटी मेजरली चल रहा है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चल रहा है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां पे आज हमने हैवी रेनफॉल वार्निंग का वार्निंग दे रखा है, येलो अलर्ट दे रखा है। हैवी रेनफॉल वार्निंग मीन वहां पे 24 आवर्स में 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके साथ ही वहां थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकता है। और अगर इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में यहां लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी इसके साथ हो सकता है। देखिए दिल्ली में ऐसा टेम्परेचर सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई हीट वेव का सिनेरियो नहीं है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। उसका रीजन क्या है कि एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आज भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर के लिए हैवी रेनफॉल एक्टिविटी दे रखी है। इसके साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आल्सो, वहां पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी की रहने की उम्मीद है। सर, उन राज्यों में जहां पे जो टेम्परेचर है सामान्य से कुछ ज्यादा है, उन राज्यों में जो वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं उनको उनके लिए क्या एडवाइजरी, क्या प्रिकॉशन है? देखिए, अगर आप जैसे ये अप्रैल महीना चल ही रहा है, ऑलमोस्ट हाफ अप्रैल खत्म हो गया है, इस समय बहुत सारी जगहों में भारत के सेंट्रल इंडिया में स्पेसिफिकली टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाते हैं। अगर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होते हैं तो लोगों को थोड़ा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, सिर ढकना चाहिए और पानी का कंजम्पशन रखना चाहिए, जो एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो हमारा स्पेसिफिकल वार्निंग्स आता है, हम येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट देते हैं। येलो अलर्ट हमारा इस समय जो दिया है हीट वेव के लिए या हॉट एंड ह्यूमिड के लिए मेजरली तमिलनाडु के लिए है, वहां पे ह्यूमिडिटी भी हायर साइड्स हैं और उसके साथ एक दो जगह पे जैसे इंटीरियर में वहां हीट वेव भी हो सकता है। उसके लिए यही एडवाइजरी है कि पानी का कंजम्पशन ज्यादा रखना चाहिए, लूज कपड़े पहनने चाहिए, हो सके तो थोड़ा सा ढकना चाहिए, धूप से परहेज रखना चाहिए। इसका मतलब क्या, धूप से परहेज रखना चाहिए मतलब दोपहर में हम कूलिंग अवॉइड कर सकते हैं, सुबह और शाम को अपना सकते हैं क्या? ऑब्वियसली थोड़ा सा इस चीज का परहेज रखना चाहिए। और बाकी हिस्सों में ऐसा इतना कोई सिग्निफिकेंट टेम्परेचर हीट वेव लाइक वार्निंग है नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया है।